अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी लेक्चर उमना यामीन। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी को। माइक्रोबायोलॉजी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का। मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों के फार्मेसी टेक्नीशियन है, उसके मैंने तीन सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाने हैं, जिसमें से माइक्रोबायोलॉजी एक है, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ाया करूँगी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाया करूँगी। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ेंगे। आई होप आप सबके पास इस तरह के बुक्स या सिलेबस आप लोगों के पास होगा, तो यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। तो पहले पेज पर आ जाओ। आपकी बुक का नाम सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बुक का नाम ये है और इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है और हम इसके बारे में अंदर हम लोग किस किस को पढ़ेंगे, क्या क्या अंदर का सारा सिलेबस है, किसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है आज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी को आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। बेसिकली बायोलॉजी आगे वर्ड आया हुआ है, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। मतलब इसमें सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। बायो मींस लाइफ, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो वर्ड कहाँ से, वर्ड आप लोग दोबारा नोट कर लो, माइक्रो, ये वर्ड जो है ना माइक्रोन से निकला है, ग्रीक वर्ड है माइक्रोन। उस माइक्रोन का मतलब क्या है, माइक्रोन का मतलब है स्मॉल, ठीक है। जो नेक्ड आई, हमारी सिंपल आई से ना देखे जाए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, हम लोग अपने सिंपल आई के थ्रू नहीं बिल्कुल भी देख सकते। क्यों, क्योंकि उनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हमारी सादा आंख से वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होते। हमें माइक्रोस्कोप की या किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी हो कि माइक्रोबायोलॉजी को आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। पहली बुक है, पहली बुक का आपका पहला लेक्चर है, माइक्रोबायोलॉजी का पहला लेक्चर है। आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, हमारी सादा आंख से नहीं देखा जाता, ठीक है। तो फर्स्ट पेज नंबर पे आ जाओ, वहां से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ आप लोगों की बुक से, तो आप लोग वहीं से देख लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब की डेफिनेशन करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ज्यादा वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, तो अगर माइक्रोब वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को पता हो कि माइक्रोब का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो आप लोग इस तरह भी कर लो कि माइक्रो अगर वर्ड आए तो आप लोगों को दिमाग में थोड़ा सा आ जाए, माइक्रो जो सा वर्ड है माइक्रोन से निकला है, कहाँ से निकला है, माइक्रोन से निकला है, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, माइक्रो के लिए वर्ड माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, सिर्फ एक सेल पर भी डिपेंड मुश्तमिल हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में करनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं। इसके अलावा जो उनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर एंड इन क्लोज एसोसिएशन इन एवरी टाइप ऑफ और इन एसोसिएशन विद एवरी टाइप ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँ तो ये हवा जो उनसी है, इसके अंदर भी इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाए जाते हैं, हवा के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है।
दी मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीजेज इज इनिशिएटेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। बहुत सी ज़्यादातर जो सी बीमारियाँ जो सी होती हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से हो जाती हैं, चाहे वो इंसानों को हो रही हो बीमारियाँ, चाहे वो जानवरों को बीमारियाँ हो रही हों, चाहे वो पौधों को बीमारियाँ हों, मोस्टली वो बीमारियाँ किसकी वजह से हो रही होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से हो रही होती हैं। जितने भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं वो 99% जो उनसे होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से हो रही होती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, एलजी की वजह से। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हम लोग इनटेक कर लें या प्लांट्स के ऊपर वो रिएक्ट कर दें या एनिमल्स इनटेक कर लें तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से 99% हमें डिजीजेज वगैरह भी होती हैं। मैनी डिजीजेज कॉज्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इंटरनल ऑर्गन्स। इससे ज़्यादा डिजीज किस वजह से होती हैं, जब वही माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्ट हमारी खून के अंदर शामिल हो जाए, डायरेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एंटर हो जाए, तो इस वजह से बहुत संजीदा बीमारियां हमें हो जाती हैं जिसके इलाज के लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीजेज अक्कर व्हेन द ऑर्गेनिज्म कॉज टिश्यू डैमेज एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन। फिर जब सीवियर डिजीज़ होती है, सीवियर डिजीज़ भी इस वजह से होती है जब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो से हमारी बॉडी के किसी ना किसी टिश्यू को डैमेज कर दें या किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन को जो से ख़राब कर दें, इम्पेयर कर दें। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली इंट्रोडक्शन में, मैं माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये बताना चाह रही हूँ कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एक तरफ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने में, हम वैक्सीनेशन बनाने में, मेडिसिन बनाने में बहुत मदद देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन में ये बात है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एक तो हर जगह पाए जाते हैं, दूसरी बात ये कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत ज्यादा हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, मोस्टली जितनी भी इन्फेक्टियस डिजीज वगैरह वो ज्यादातर किनकी वजह से होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग उसकी डेरिवेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कहां से ड्राइव हुआ, कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, तो जो वर्ड माइक्रोबायोलॉजी है, एक बार मैं रीडिंग यहाँ से कर देती हूँ। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो लफ्ज माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से निकली है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक, टू ग्रीक वर्ड्स से निकली है। वो दो वर्ड्स कौन से हैं, एक वर्ड है माइक्रोन, माइक्रो निकला है किससे, माइक्रोन से, और बायोलॉजी निकला है बायोलोगिया से। ठीक है, ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं, कौन से, माइक्रोन और बायोलोगिया। माइक्रोन का मतलब क्या है, स्मॉल, और बायोलोगिया का मतलब है स्टडिंग लाइफ, के ऐसी ऐसी चीज़ों की लाइफ पढ़ना जो स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं मतलब सिंपल आई के थ्रू हम लोग जिनको नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको देखने के लिए। ठीक है, The word microbiology is derived from two Greek words, micron means small and biologia means studying life. ये MCQs भी बहुत ज़्यादा आता है, इसके अलावा ये short question भी ज़रूर आएगा। ठीक है, It is concerned with form, structure, reproduction, physiology, metabolism and identification of microbes. अब basically हम microbiology के syllabus में क्या पढ़ेंगे, microbiology के syllabus के अंदर हम लोग जितने भी microbes को discuss करेंगे, हम लोग bacteria को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंजाई के प्रॉपर 3-4 लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा वायरसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जिन जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन इसमें पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन उसका सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारा कुछ हम लोग उन माइक्रोब्स को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के अंदर बेसिकली हम लोग सारे माइक्रोब्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग थिंग्स, द बेनिफिशियल एंड डिटर्मिनल इफेक्ट्स ऑन द मैन एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दे मेक इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, उन माइक्रोब्स की हम लोग जैसे आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, इसी तरह उन माइक्रोब्स का हम लोग केमिकल और फिजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे क्लाइमेट पे, दूसरी चीज़ों पर। इसके अलावा हम लोग हम काफ़ी इसके रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि उनके साथ उनके क्या रिलेशन है। इसके अलावा वो नेचर में किस किस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी नेचर के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग काफ़ी डिटेल में हर एक माइक्रोब्स को हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग ब्रांच की, हम लोग माइक्रो
माइक्रोबायोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है? अगर डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी आएगा तो आप लोगों ने ये वाली राइट डाउन करनी है, ठीक है? मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और इसके अलावा उनका इफेक्ट पड़ते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर होते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर हमें जो उनसे डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं अगर बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो उनसे खतरनाक वाले हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो, ठीक है? अब नेक्स्ट आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है कॉमन माइक्रोब्स इंक्लूड, जो सबसे ज्यादा कॉमन माइक्रोब्स हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की टाइप पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वायरस है, फिर आर्चिया है, उसके बाद फिर फंजाई है, फिर प्रोटोजोआ। ये 5-6 माइक्रोब्स जो हैं इनको हम लोग आपके सिलेबस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इन 5 जितने माइक्रोब्स यहाँ पे गिवन है उनको हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये लॉन्ग शॉर्ट उनमें से काफी ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आज हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन आप लोगों को माइक्रोऑर्गेनिज्म मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाए, जो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम लोग सिंपल आई से नहीं देख सकते, ठीक है? अब वही माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं या वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है? मैं इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन पहले आप लोगों के सिलेबस से हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। The cellular world is derived from two major groups based on whether or not the cells have a nucleus. अब जो ये microorganisms को दो टाइप्स में किस बेस पर डिवाइड किया गया है, इस बेस पे डिवाइड किया गया है कि किस में न्यूक्लियस है और किस में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है? वो मैं आपको बताती हूँ। दिस सेल्स दैट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज दिस सेल्स दैट लैक अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये डेफिनेशन लास्ट वाली लाइन आप लोगों ने याद करनी है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों की डेफिनेशन करनी है। अब मैं बता देती हूँ, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, प्रोमिनेंट है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो टाइप जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल हो जिसके अंदर न्यूक्लियस हो लेकिन उसके गिर्द मेम्ब्रेन वगैरह ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है? अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया है कि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस का आप लोगों को पता होगा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम वगैरह होते हैं, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो मेम्ब्रेन के गिर्द होंगे तो उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहेंगे, अगर वो मेम्ब्रेन के गिर्द नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आज थोड़ा सा और इन टाइप्स का हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया, वेयर एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज एंड एज वेल एज ह्यूमंस। अब जो प्रोकैरियोट्स है ना उसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते थे? ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जिनके न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन ना हो बल्कि जिनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिस्पर्स्ड हो, ठीक है? ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है? यूकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की यहाँ पे भी एक एक डेफिनेशन लिखी है आपने, चाहे ये वाली करनी है तो ये वाली कर लेना, चाहे पीछे वाली करनी है तो पीछे वाली कर लेना, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, दी प्रोकैरियोट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हूज सेल लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन ये है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन, जिसके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी टाइप है जिसके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आगे अब आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स का भी पता चल गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पता चल गया, माइक्रोबायोलॉजी का भी पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग ना स्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। आप लोगों को एक प्रॉपर बुक बना दी गई है, आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस दिया गया इसका डिस्कस करने के लिए, तो इसका क्या स्कोप क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप होता है, माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रोबायोलॉजी से हम लोगों को क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन रीड कर लेती हूँ। द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है जो हमारे नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, जो हमारी सादा आंख के थ्रू हमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों ने एज इट इज करना है। सेकंड पॉइंट है वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्जी एंड फंगस आर ऑल कंसीडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग किन किन को पढ़ेंगे, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, एल्जी को, फंगस को, इनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, दूसरी बायोलॉजी की ब्रांचेस में नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस वगैरह को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं, मतलब इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, इनको सिंपल आई से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फूड सच एज ब्रेड, चीज, बियर यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी फॉर्मड प्रॉपरली, वाइल वैक्सीनेशंस, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स यूज द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी इफेक्टिव। अब ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ करके बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बियर, शराब वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी ट्रीटमेंट्स के लिए, बहुत सी इन्फेक्शन और डिजीज़ की ट्रीटमेंट्स के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीनेशंस की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दिए जाते हैं, विटामिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन दी 1917 न्यू डिस्कवरीज इन बायोलॉजी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1970 से बहुत सी डिस्कवरीज हो रही है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उन डिस्कवरीज की मदद से जो सब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की डेरिवेशन हुई, उसकी डेवलपमेंट हुई, कि डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज किया गया, जेनेटिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई, ठीक है। वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, कौन सी डिफेक्टेड जीन को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे बीमारी का इलाज किया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, तो आप ये सारा का सारा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एबल टू ग्रो रैपिडली एंड आर इन लार्ज अमाउंट्स इन द लैब एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। जब हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा तो उससे हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन रेट वगैरह भी पढ़ी, और फिर हम लोगों ने इस तरह नए तरीके भी याद कर दिए कि हम लोग उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा तादाद में कैसे बना सकते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, जैसे ब्रेड, चीज़ वगैरह, योगर्ट वगैरह, बियर वगैरह को बनाने के लिए जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा तादाद में हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये सारे के सारे तरीके जो उनसे हैं माइक्रोबायोलॉजी की ही डिस्कवरीज हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानी वजूद को कैसे इफेक्ट करती हैं, ये बात सोचने से जो उनसे माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन बनी थी, माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद इसी सवाल पर बनी थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंसानी वजूद को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। With the harmless organism which convert complex material into a simple substance, life would be uncertain. बहुत से खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करके काफ़ी मटेरियल्स बना के हमें फ़ायदा देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। स्कोप इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर देती हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्क्राइब्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू मेक हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वैक्सीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एग्रीकल्चर में, फूड साइंसेस में, इकोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, बेसिकली बायोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा अदर ब्रांचेस में भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है, उनकी भी डिस्कवरीज, उनकी भी नॉलेज में इजाफा कर रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारा स्कोप पढ़ लेना खुद ही अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों के सिलेबस में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।